कोर्ट में रिश्वत लेने के आरोप में अंबाला आरटीए सचिव के ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया है। ओवरलोडिंग के मामले में ड्राइवर ने रिश्वत ली थी। कोर्ट से स्टेट विजिलेंस करनाल की टीम ने पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। स्टेट विजिलेंस अधिकारी के अनुसार जब अंबाला में आरटीए सचिव के पद पर एचसीएस अमित यादव थे तो उन्होंने ओवरलोड माफिया से आए पैसे ड्राइवर प्रवीण को दिए थे। इस पैसे को प्रवीण से रिकवर करना है। वहीं प्रवीण ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी लेकिन उसे कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब तक मामले में कुल 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इनमें से अधिकतर कोर्ट से जमानत पर बाहर है। ये जो डीटीओ अभी पहले सुभाष चंद्र जी और रमेश यादव गिरफ्तार हुए थे उसी में जो ये 11वां मुलजिम 10 लोग पहले अरेस्टेड है जी। और 11वां मुलजिम ये अभी जो बकाया था रमेश यादव जी का जो ड्राइवर था प्रवीण, आज वो कोर्ट में सरेंडर किया उसने और उसको पेश किया था माननीय न्यायालय के आगे और पुलिस रिमांड 7 दिन का हमने मांगा था जिसपे माननीय न्यायालय ने हमें 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया है आगे की प्रोसीडिंग के लिए और पूछताछ के लिए और 2 तारीख को पेश करें।